जय हिंद दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या है एडवांस टैक्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट एंड उसका ड्यू डेट्स क्या है एंड उसको हम कैसे पेमेंट करेंगे। आप बीकॉम में हो या फिर सीए में हो, जो भी लेवल पे आप हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप प्रोफेशनल लेवल में हो यानी कि प्रैक्टिकल लेवल में इनकम टैक्स के ऊपर काम कर रहे हो तो भी इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये एडवांस टैक्स का चैप्टर। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो करेंट ईयर, सपोज करेंट ईयर है 2019-20, सपोज करेंट ईयर है 2019-20, उसका जो इनकम है उसका असेसमेंट होता है नेक्स्ट ईयर में रिटर्न फाइलिंग के टाइम, यानी कि असेसमेंट ईयर स्टार्ट होता है 1st of April से, यानी कि यहां पर 1st of April 2020 से, ठीक है। और टैक्स पेमेंट कब करना पड़ता है, जब एसएससी रिटर्न सबमिट करेगा, यानी कि इंडिविजुअल के केस में 31 जुलाई के अंदर जब वो रिटर्न सबमिट करेगा तब जो टैक्स लायबिलिटी होगा वो पूरा पे करना पड़ेगा, या फिर कंपनी के केस में 30 सितंबर में उसका जो टैक्स लायबिलिटी है वो रिटर्न फाइलिंग के टाइम के पे करना पड़ेगा। लेकिन एडवांस टैक्स में केस में क्या बोल रहा है, देखो अगर करेंट ईयर इनकम प्रीवियस ईयर में, यानी कि सपोज 2019-20 में अगर करेंट ईयर का इनकम टैक्स लायबिलिटी हो गया है 10,000 और उससे ज्यादा, तो तुमको करेंट ईयर यानी कि 2019-20 में ही जो करेंट ईयर के इनकम है उसके ऊपर स्लैब बेसिस में टैक्स तुमको पे करना पड़ेगा। ये जो करेंट ईयर में ही करेंट ईयर का इनकम के ऊपर मैं टैक्स पे कर रहा हूं, इसको ही हम बोल रहे हैं एडवांस टैक्स। एडवांस क्यों, क्योंकि एडवांस में मैं एक टैक्स पे कर रहा हूं इसीलिए इसको बोल रहा है एडवांस टैक्स, ठीक है। तो नॉर्मल केस में क्या होता है, फिर से एक बार बोल रहा हूं, 2019-20 में नॉर्मल केस में मतलब अगर इनकम टैक्स लायबिलिटी है 10,000 से कम तो प्रीवियस ईयर का जो इनकम है उसका टैक्स मैं पे करूंगा अगले साल यानी असेसमेंट ईयर में, यानी कि 2019-20 का जो इनकम है उसका टैक्स पे करूंगा मैं 2020-21 में, यानी असेसमेंट ईयर में जब मैं रिटर्न सबमिट करूंगा। लेकिन मेरा अगर टैक्स लायबिलिटी हो गया है 10,000 या फिर उससे ज्यादा तो प्रीवियस ईयर 1920 में ही मेरे को टैक्स पे करना स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कि एडवांस टैक्स मेरे को पे करना पड़ेगा स्लैब बेसिस में, ठीक है। अब देखो एक एक्सेप्शन है ये केस में, एक्सेप्शन कब, अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल है ठीक है, जिसका कोई पीजीबीपी से यानी कि ना तो उसका कोई बिजनेस है ना तो उसका कोई प्रोफेशन है, पीजीबीपी से कोई इनकम ही नहीं है, ठीक है, एंड वो सीनियर सिटीजन है यानी कि 60 और 60 अबव है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब क्या, अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिसका कोई ना तो बिजनेस से इनकम है ना तो कोई प्रोफेशन से इनकम है एंड वो सीनियर सिटीजन है तो उसको एडवांस टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है एक्सेप्शन एडवांस टैक्स का, रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड इनकम फ्रॉम पीजीबीपी नहीं है एंड सीनियर सिटीजन भी है तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी उसके केस में नहीं चाहिए होगा, ठीक है। अब देखो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, मैंने पहले बोला है एडवांस टैक्स बहुत सारा ड्यू डेट में पेमेंट करना पड़ेगा स्लैब बेसिस में, ठीक है। तो देखो अप टू 15 जून, इसका मतलब प्रीवियस ईयर सपोज 1920 है तो 15th जून 2019 में 15% ऑफ एडवांस टैक्स, सपोज मेरा एडवांस टैक्स लायबिलिटी आ रहा है 1,00,000, उसका 15% यानी कि 15,000 जो टैक्स लायबिलिटी है वो 15 जून तक पे हो जाना चाहिए, ठीक है। अप टू 15 जून बोला है, मतलब 15 जून के अंदर प्रीवियस ईयर में,
ठीक है। नेक्स्ट अप टू 30 सितंबर 45% ऑफ एडवांस टैक्स पे हो जाने चाहिए, ठीक है। 45% सपोज मेरा टोटल टैक्स लाइबिलिटी 1 लाख, तो उसका 45% हो रहा होगा 45,000, ओके। अब देखो एक चीज, 45,000 यहाँ पर हो रहा है जो टैक्स लाइबिलिटी, ऑलरेडी मैंने 15% यानी कि 15,000 पे कर चुका हूं, ठीक है। तो इस टाइम पे आके मेरे को सिर्फ बैलेंस यानी कि 45 - 15 = 30,000 पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अप टू 30 सितंबर मेरे को टोटल टैक्स लाइबिलिटी का 45% एज एडवांस टैक्स पे हो जाना चाहिए। नेक्स्ट अप टू 15 दिसंबर, ठीक है, 15 दिसंबर तक कितना 75%, यानी कि अगर टोटल टैक्स लाइबिलिटी है मेरा 1 लाख, तो उसका 75% यानी कि 75,000 15 दिसंबर प्रीवियस ईयर का 15 दिसंबर तक पे हो जाना चाहिए, ठीक है। या फिर बैलेंस कितना है 30% कैसे आया, मैंने ऑलरेडी कितना पे कर चुका हूँ 45%, यानी कि 1 लाख का 45% अगर 45,000 पे कर चुका हूं तो यहाँ पे बैलेंस होगा 75,000 माइनस ये जो 45,000 ऑलरेडी पे कर चुका हूं, दैट इज 30,000। तो 15 दिसंबर तक मेरे को एडिशनल 30,000 पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऑन और बिफोर 15 मार्च कितना, ऑब्वियसली पूरा 100% ही तुम्हारा जो टैक्स लाइबिलिटी है वो पे हो जाना चाहिए, ठीक है। 100% मतलब ये आपका बैलेंस जो 25%, बैलेंस 25% कहाँ से आ रहा है, ये जो 75% है उसके ऊपर का जो बैलेंस, यानी कि 100% माइनस 75% एडिशनल 25% 15 मार्च के अंदर मेरे को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो चारों डेट है 15 जून, 30 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च। पहले 15% पे करना पड़ेगा, फिर एडिशनल 30% मेक्स इट 45%, फिर एडिशनल 30% मेक्स इट 75%, फिर एडिशनल 25%, यानी कि पूरा जो 100% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी है वो पे हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बात बोला है, देखो इन केस ऑफ एसएससी ऑन प्रिजम्प्टिव बेसिस, अगर कोई प्रिजम्प्टिव बेसिस में टैक्स पे कर रहा है तो उस केस में ये जो डेट है एडवांस टैक्स का वो है केवल एक डेट यानी कि 15 मार्च। तो उसको 15 मार्च तक टाइम दिया है, 15 मार्च तक एडवांस टैक्स पूरा पे हो जाना चाहिए। इसके केस में बहुत सारे डेट नहीं है, इसके केस में एक ही डेट है यानी कि 15 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब इसके ऊपर करते हैं एग्जाम्स, तो आइए इसके ऊपर करते हैं सम्स। तो क्या बोला है देखो क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट एडवांस टैक्स एज्यूमिंग दैट मिस्टर एक्स इज 49 ईयर्स, उसका एज है 49 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। इसका मतलब वो सीनियर सिटीजन नहीं है। प्रीवियस ईयर कितना है 2019-20, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 5 लाख है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन है 6 लाख, अदर सोर्सेस है 2 लाख एंड TDS ऑलरेडी डिडक्ट कर चुका है 3000। क्या है TDS ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो सिंपल सा सम से टोटल इनकम कैलकुलेट करो, उसके ऊपर कैलकुलेट करो टैक्स लाइबिलिटी एंड टैक्स लाइबिलिटी से जो क्रेडिट यानी कि टैक्स ऑलरेडी मैंने पे कर चुका है उसको करो लेस एंड नेट टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा, यानी कि एडवांस टैक्स टोटल कितना पे करना पड़ेगा वो आ जाएगा, उसके ऊपर स्लैब बेसिस में करेंगे कैलकुलेट एडवांस टैक्स। तो देखो पहले टोटल इनकम क्या है, तो ये बहुत सिंपल सम से टोटल इनकम तीनों हेड को जोड़ दो, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी का 5 लाख, पीजीबीपी का 6 लाख, अदर सोर्सेस का है 2 लाख, तो आ जाएगा 13 लाख टोटल इनकम, 13 लाख इज टोटल इनकम, ओके। तो 13 लाख के स्लैब बेसिस में करो इनकम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट, तो अप टू 2.5 लाख इज नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% यानी कि 12,500, ओके सिंपल वेरी सिंपल। 5 लाख से 10 लाख एट द रेट 20% दैट इज 1 लाख, ओके। अबव 10 लाख यानी कि बैलेंस जो 33 लाख बचा हुआ है, अबव 10 लाख मतलब 13 लाख माइनस 10 लाख इक्वल्स टू 3 लाख, ये जो 3 लाख है इसके ऊपर करेंगे 30% दैट इज 90,000, ओके। तो तीनों को टोटल करो 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 90,000 कम्स टू 202,500, ठीक है। तो इसके ऊपर करेंगे सेस 4% सेस दैट इज 8,100 यानी कि 202,500 इंटू 4% कम्स टू 8,100, तो 202,500 प्लस सेस को लेके 210,600 आ रहा है टोटल टैक्स लाइबिलिटी। अब मैंने ऑलरेडी क्रेडिट ले चुका है 3,000 का यानी कि TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो
तो इसको ऑब्वियसली लेस करना पड़ेगा, ऑलरेडी मैंने टैक्स पे कर चुका है, ठीक है। तो 2,03,600 से लेस करेंगे 3,000 तो आ जाएगा 207,600 नेट टैक्स लायबिलिटी। अब ये जो 207,600 है ये डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में मेरे को एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 207,600 अप टू 15 जून, 15% ऑफ, यानी 207,600 into 15% आ रहा है कितना, 31140। तो पहले 31140, ठीक है, अब 45% into 45% आ रहा है कितना, 93420। तो 93420, ठीक है। अब 207,600 इंटू 75% नेक्स्ट बेसिस में, नेक्स्ट लैब में इक्वल्स टू 155,700, ठीक है। अब पूरा 100% यानी कि पूरा 207,600, ये है क्यूमुलेटिव, ठीक है। तो पहले जो 50% है उसका अमाउंट है 31140। तो नेक्स्ट बार यानी कि 15 सितंबर में जब पेमेंट करूंगा तो इसका जो डिफरेंस है यानी कि 45% एंड 50% 15% का जो डिफरेंस है वही होगा एडिशनल टैक्स यानी कि 30%। सो 93420 माइनस 31140 आ रहा है मेरा 62280, ठीक है। 93420 माइनस 31140 इक्वल्स टू आ रहा है मेरा 62280। तो ये रहा 62280। फिर एडिशनल 30% यानी कि 155,700 माइनस 93420 इक्वल्स टू 62280, ठीक है। एंड लास्ट में 207,600 माइनस 155,700, ठीक है, यानी कि 25% 51900, ओके। ये क्यूमुलेटिव है एंड ये एडिशनल हर टर्म में कितना पेमेंट करेगा उसका अमाउंट है, ठीक है। तो पहले इंस्टॉलमेंट में 50% पे किया 31140, फिर नेक्स्ट 30% पेमेंट किया 62280, फिर नेक्स्ट 30% कैसे 45 माइनस 75, तो एडिशनल 30% का वैल्यू है 62280। एंड फिर बैलेंस जो 25% है यानी कि 100 माइनस 75 इक्वल्स टू 25% इक्वल्स टू 551,900, ओके। सो इट दिस मेक्स टोटल ऑफ, इफ यू इसको टोटल करोगे ये चारों तो आएगा 207,600। तो ऐसे करके स्लैब बेसिस में आप कैलकुलेट कर सकते हैं एडवांस टैक्स। होप आपका एडवांस टैक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एंड कंडीशंस है वो आपको समझ में आ गया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स अपने जूनियर सीनियर के साथ। इसी चैनल पे बहुत सारा वीडियोस आने वाला है, बहुत सारा वीडियोस, ठीक है, तो बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। थैंक यू।